अम्मा जी, का बताए आपको, हाँ का बताए, हमको तो कछु अच्छा ही नहीं लग रहा है। हाँ, अब हमको का पता था कि वहाँ चिंपूगढ़ जाकर अनीता जी खो जाएंगी, नहीं तो हम वहाँ जाते ही नहीं। हाँ अम्मा जी, पता नहीं अनीता जी किस हाल में होंगी। हाँ प्रभूति जी फूट फूट कर रो रहे हैं, बाद में कॉल करते हैं। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम करें अम्मा जी। दिया शांत हो जाइए, प्रभूति जी शांत हो जाइए, रोइए ना। हाँ भाभी जी क्या हो गया, भाभी जी क्या हो गया, अनु मुझे छोड़ के चले गए, भाभी जी मैं जिंदा कैसे रहूंगा, भाभी जी ये क्या हो गया। नहीं नहीं प्रभूति जी नहीं, शांत हो जाइए, हाँ शांत हो जाइए, हिम्मत रखिए, अनीता जी ना बहुत ग्रेव हैं। भाभी जी ग्रेव तो खबर होती है, अब ब्रेव बोल रही होंगी। सही पकड़े हैं हम, का बोल रहे हैं कि उनमें ना बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत, हमारा विश्वास है कि वो किसी भी मुसीबत से लड़कर ना यहाँ आ जाएंगी बस। भाभी जी आप जो कह रही हैं वो सच निकले, भाभी जी मुझे समझ नहीं आ रहा, भाभी जी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। डूब के मर जाइए। भाई मां प्रणाम। हां खुश रहिए। भाभी मां आप अभी इसी वक्त इस आदमी को अपने घर से बाहर निकालिए, वो भी लात मार कर। ये क्या बका आपने अभी? मैंने बिल्कुल सही कहा कमीने इंसान। आपने मेरी भाभी माँ को खो दिया, धिक्कार है आप पे नल्ले आदमी। तू है आप पर आ तू I don't like it. भैया गंगाराम, यार ऐसा तो लग रहा है जैसे हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई दादा। जब से यार गोरी मैम चली गई ना, भगवान कसम खा के कह रहे मोहल्ला में जाने की हिम्मत नहीं होती है हमारी। खम्मन में, तारन में, बिजलियन में, हर जगह में गोरी मैम नजर आती है यार। गंगाराम में ऐसा लग रहा है यार अब तो बस धतूरा खा कर टे बोल जाए ससुर। खा लो सो, रोकी की नहीं हैगी। बोलो बे गंगाराम, अब तो तुम शाम के धतूरा भिजवा दो यार। धतूरा खा लेंगे अबू सिंह जी, हमारा क्या होगा। गोरी मैम